कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत 27 अप्रैल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 45 बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड बढ़ाया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ निजी अस्पतालों और टीवी हॉस्पिटल में भी बेडों और ऑक्सीजन की व्यवस्था बेहतर की गई है, जिससे कोरोना के मरीजों का समय से इलाज किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, कोविड में जो अभी कोविड मैनेजमेंट में हम लोग अभी बेड की जो संख्या है लगातार प्रयास करके बढ़ा रहे हैं, और कल हम लोग बीआरडी में वार्ड नंबर 11 में जो है कल 44 बेड्स और दे पाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई, पूरी ऑक्सीजन हर बेड पे है वहाँ पे, और उसको बाद में और भी बढ़ा दिया जाएगा। अभी सीएमओ साहब के साथ बैठ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी और उनकी टीमें बनाई जा रही है, और उम्मीद है शाम से हम लोग शुरू कर देंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी लगातार बात हो रही है, जो जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हमें एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम उसको अप्रूव करके वहाँ पर भी जो है इलाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन वाले बेडों की व्यवस्था की जा रही है। टीबी हॉस्पिटल को लेकर व्यवस्था है, टीबी हॉस्पिटल में इस समय हमारे 80 पेशेंट एडमिटेड हैं, जो सारे ऑक्सीजन वाले बेड पे हैं। हमारे पास 20 और बेड है जो आइसोलेशन बेड हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी और मजबूत किया जा रहा है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को लगातार मेंटेन किया जा रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जो बचाव है इस पर घरेलू कुछ उपचार है, इसमें यही है कि टेस्टिंग कराइए और तुरंत डॉक्टर की सलाह से, जैसे डॉक्टर सलाह कर रहे हैं दे रहे हैं, उसी से हिसाब से अपना जो इलाज कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे ही कोई अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल में एडमिट होना है, तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम है उससे संपर्क करते हुए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। सर, जो होम आइसोलेट है उनके लिए भी कुछ? होम आइसोलेट के लिए आरआरटी को भेजा जा रहा है, आरआरटी के नंबर भी हमने जारी कर दिए हैं, जो आरआरटी से डायरेक्ट संपर्क करके वो अपनी जो होम आइसोलेशन में जिन जिन सावधानियों को रखना है, जो जो मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन की किट हर कोविड पेशेंट तक पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है, जिसको हम रोज़ रिव्यू करते हैं, आरआरटी की विजिट को रिव्यू करते हैं बैठ के शाम को, कि ताकि हर पेशेंट को हम लोग टच कर पाएँ। सर, उन्होंने कुछ कहेंगे जो बीमारी होते हुए छिपाना चाहते हैं उसको? इसको छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अगर इस समय में कुछ भी इस तरह के लक्षण आते हैं, तुरंत कोविड का टेस्ट कराइए और अपना इलाज जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो सरकार द्वारा तय किए गए हैं, उसके अंतर्गत अपना जो दवाई है उसको जारी कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। डिले इसमें बहुत कई बार घातक हो जाता है, और डॉक्टर के टच में आ जाइए, आरआरटी के टच में आ जाइए, और उसके अलावा जो है अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना है तो ICCC के थ्रू हम तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन में भी जल्दी से जल्दी करके उसका इलाज शुरू कर करते हैं।